नमस्ते, मैं हूँ आराधना और आज आपको हेटेरोजीनियस रिएक्टिंग सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। ये कंटेंट आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में दिखेंगे। हेटेरोजीनियस रिएक्शन, रेट इक्वेशन फॉर हेटेरोजीनियस रिएक्शन, कॉन्टेक्टिंग पैटर्न फॉर टू फेज सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग हेटेरोजीनियस रिएक्शन। हेटेरोजीनियस रिएक्शन, तो हेटेरोजीनियस रिएक्शन वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा फेज इन्वॉल्व होते हैं और ऐसी रिएक्शन में जो रिएक्शन होती है वो दोनों फेजेस के बीच में जो इंटरफेस होता है उस पर होती है। इंटरफेस क्या होता है? जहाँ पे दोनों फेजेस मिलते हैं। रेट इक्वेशन फॉर हेटेरोजीनियस रिएक्शन, जो हेटेरोजीनियस रिएक्शन होती है वो कुछ स्टेप्स में होती है और जो केमिकल स्टेप्स होते हैं, यानी कि जो रिएक्शन हम कह सकते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनके साथ साथ कुछ फिजिकल स्टेप्स भी होते हैं। फिजिकल स्टेप्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि जो दो फेज है, मान लीजिए एक लिक्विड फेज है और एक गैस फेज है, दोनों की रिएक्शन होनी है तो दोनों इंटरफेस में आएंगे। इंटरफेस में आएंगे तो दोनों का ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। ड्राइविंग फोर्स होगा कंसंट्रेशन डिफरेंस, यानी कि जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बल्क फेज में अलग होगी और इंटरफेस में अलग होगी। और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं, ये जो मास ट्रांसफर का ट्रांसपोर्ट का फिनोमिनन है, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। हेटेरोजीनियस रिएक्शन या तो सीरीज में हो सकते हैं या फिर सीरीज ऑफ पैरेलल ग्रोथ, यानी कि मिक्स स्टेप्स भी हो सकते हैं। जो हम हेटेरोजीनियस सिस्टम के लिए रिएक्शन रेट लिखते हैं उसमें दो टर्म्स होंगी। एक तो नॉर्मली जो हमारी होती है यूजुअल काइनेटिक टर्म, रेट इक्वेशन जैसे हम लिखते हैं, और दूसरी, क्योंकि यहाँ मास ट्रांसफर भी हो रहा है तो दूसरी टर्म होगी मास ट्रांसफर टर्म। अगर हेटेरोजीनियस रिएक्शन पैरेलल स्टेप्स में हो रही है, पैरेलल स्टेप्स मतलब सारे जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं वो एक साथ हो रहे हैं, तो जो ओवरऑल रेट होगा वो इंडिविजुअल रेट का सम होगा। और अगर कंसेक्यूटिव स्टेप्स हैं, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेप हो रहे हैं, तो ये जो सारे रेट हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि आर ओवर ऑल इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू एंड सो ऑन। अगर हम वेरियस स्टेप्स के रेट को कंपेयर कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं या बता रहे हैं तो सबके बेसिस सेम होने चाहिए। बेसिस क्या होता है, अगली स्लाइड में हम बताएंगे कि कैसे हम रेट को अलग अलग बेसिस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। Based on unit volume of reacting fluid, based on unit mass of solid and based on unit interfacial area or unit surface of solid. इन तीनों को respectively हम माइनस आर ए डैश और माइनस आर ए डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन से मोल पर यूनिट टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और इनसे इन तीनों इक्वेशन के बीच में कोरिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से एक कोरिलेशन आ जाएगा और यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी किसकी, मोल ए रिएक्टेड पर यूनिट टाइम। कॉन्टेक्टिंग पैटर्न फॉर टू फेज सिस्टम, अब हेटेरोजीनियस रिएक्शन है, दो फेज है तो उनका कॉन्टेक्टिंग पैटर्न क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो जो आइडियल पैटर्न होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है प्लग फ्लो और एक होता है मिक्स फ्लो। जो फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कॉन्टेक्टिंग पैटर्न से। तो जो आइडल फ्लो पैटर्न है वो कोई भी हो सकता है, प्लग फ्लो मिक्स फ्लो। जैसे कि ये हमारा फिगर दे रखा है, पहला है प्लग ए ऑब्लिक प्लग बी काउंटर करेंट, मतलब कि ए भी प्लग फ्लो में है और बी भी प्लग फ्लो में है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरा है प्लग ए प्लग बी को करेंट, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में प्लग फ्लो कर रहे हैं। तीसरा है प्लग ए प्लग बी क्रॉस करेंट, मतलब दोनों का फ्लो प्लग फ्लो है और दोनों क्रॉस करेंट यानी कि क्रॉस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। फोर्थ है प्लग ए मिक्स बी और लास्ट है मिक्स ए मिक्स बी। अब ये तो थे आइडियल फ्लो, लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक फेज डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉन फ्लोइंग कंडीशन, मतलब नॉन फ्लोइंग कैसे होगी, नॉन फ्लोइंग ऐसे होगी कि फ्लो करते करते बीच में ड्रॉपलेट्स आ गए कुछ या कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आ गए तो फ्लो में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो ऐसा अगर कोई फ्लूड है तो मैक्रो फ्लूड कहलाता है और नॉर्मल फ्लोइंग कंडीशन में फ्लूड है तो वो माइक्रो फ्लूड कहलाता है। तो जनरली जो मैक्रो फ्लूड है वो मिक्स फ्लो में ही होता है। तो
डिजाइन इक्वेशन हम आइडियल फ्लो पैटर्न के लिए लिख सकते हैं क्योंकि हम लिखते आ रहे हैं नॉर्मली, इक्वेशन हमें पता है, इक्वेशन हम लिख देंगे। लेकिन अगर रियल फ्लो आइडियल फ्लो से डेविएट होता है, मतलब थोड़ा अलग है, तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम खुद से मॉडल डेवलप करें, खुद से इक्वेशन डेवलप करें, और या फिर हम आइडियल जो इक्वेशन है, मतलब जो आइडियल फ्लो के लिए इक्वेशन है वही लिखते हैं, लेकिन उससे हमें एक्चुअल फ्लो नहीं मिल पाएगा, उससे हमें आइडियल फ्लो ही मिल पाएगा। और जो रियल रिएक्टर्स हैं हाइड्रोजन मिश्रण के, उनका जो कॉन्टेक्टिंग पैटर्न है वो पीछे दिए गए 5 कॉन्टेक्टिंग पैटर्न में किसी एक में से मैच हो ही जाता है। टेस्ट अफेक्टिंग हाइड्रोजनियस रिएक्शन, तो रिएक्शन कब होती है, जब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलॉइड होते हैं, और कोलॉइड कब होते हैं, जब उनमें मिनिमम एनर्जी होती है, और इस मिनिमम एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो नीचे 4 फैक्टर दे रखे हैं, ये चारों ही रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। अगला है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द सरफेस एरिया, ये है सिर्फ हेटरोजीनियस रिएक्शन के लिए, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अलग अलग फेजेस में हो, तो ऐसे मिक्सचर हेटरोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन रेट है वो सरफेस एरिया से लिमिट होता है, सरफेस एरिया से कंट्रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए एक रिएक्टेंट सॉलिड मेटल है और दूसरा गैस रिएक्टेंट है, अब दोनों को मिक्स कर दिया, अब दोनों की रिएक्शन होनी है, तो गैस वाला जो है गैस रिएक्टेंट वो सॉलिड मेटल के सरफेस पे रिएक्शन होगी। तो जितना ज़्यादा सॉलिड मेटल का सरफेस होगा उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे और उतना ज़्यादा रिएक्शन रेट होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉलिड रिएक्टेंट जो है उसका सरफेस बढ़ाना है। तो जो लिमिटिंग फिनोमिना हो गया यहाँ पे, वो हो गया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट। और हम सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो उसको फ्लैट कर दें या फिर उसको छोटे 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 पीसेस में काट लें। तो सारे पीसेस पे अलग अलग रिएक्शन होगी और उतना ज़्यादा रिएक्शन रेट होगा। कैटालिस्ट, जैसा कि पता ही है कि कैटालिस्ट रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो कैटालिस्ट के होने से भी रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट पड़ता है। गुड लक।